अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास दिन है क्योंकि आज हम लोग एक बहुत बड़ा मिशन करने वाले हैं जिसका नाम है क्लीन द बीच, यानी कि अपने साहिल समंदर को क्लीन करना। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गैस अभी हमारे पास है एक शॉपर, इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हमारे पास इतना गार्बेज है इस गार्बेज को हम लोग इस शॉपर में डालेंगे और फिर हम लोग इसको अपने घर ले जाके डस्टबिन में डाल देंगे। देखो अगर आप लोग इसी तरह कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये बीच काफ़ी साफ हो सकता है। मुझे आप लोग की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मेरे साथ कंट्रीब्यूट करें और मैं इस पॉइंट को नोटिस करूँगा कि भाई हमारा बीच अगर साफ़ होगा तो हमारी लाइफ काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि ये जो सी लाइफ है काफ़ी इनको जो ना मसले होते हैं गार्बेज वगैरह से, पॉल्यूशन से, और हम यही खाते हैं तो जो इसकी वजह से हमें कैंसर जैसी बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं। तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस पॉइंट। So let's go guys. यहाँ पे एक लेस का शॉपर है, ये हमने डाला। सॉरी गाइस, हम लोग को यहाँ ब्रांडिंग नहीं करनी थी कोई, आई एम सॉरी। ये देखें गाइस, जूस के डब्बे तक फेंके और अभी इनमें पानी है, ये क्या तमाशा लगाया है यार। ये देखिए गाइस, इतने रैपर्स देखें कितना नुकसान पहुंचता होगा हमारी सी लाइफ को। ये हमें मिली है कैल्शियम जो कि काफ़ी यूज़फुल है, ये हम अपने पैरेट्स वगैरह और भी काफ़ी जगह ये यूज़ हो सकती है, काफ़ी काम की चीज़ होती है। तो ये मैं ले जाऊंगा और मैं ये अपने पोली के लिए ले जाऊंगा क्योंकि हमारे पोली को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसकी चोंच वीक हो रही है, इसलिए हमने ये रख लिया अपने पास। और बाकी ये हमारे पास कुछ शॉपर्स वगैरह रखे हुए हैं यार, रखे हुए नहीं सॉरी पड़े में। स्मोकिंग किल्स, गाइस आप लोग देखें सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में हमारी थैली भर गई। आप लोग खुद अंदाजा लगाएं कि यहाँ कितना ज्यादा कचरा है। इस बीच को अभी बहुत जरूरत है आप जैसे अच्छे लोगों की, जो आएँ और यहाँ पे सोशल वर्क करें और सफाई करें अपने बीचेस की, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी सेगमेंट है हमारे लाइफ का। और कैसे शॉपर्स वगैरह फेंके हुए, चप्पलें फेंके हुए, गाइस चप्पल कोई फेंकते यार, इट्स नॉट अ डस्टबिन ब्रो, व्हाट द शिट इज इट। लेट्स गो गाइस, यहाँ भी कचरा काफी। और भाई मैं तुम लोग को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अल्लाह के वास्ते कोई कमेंट्स में ये नहीं लग जाना कि भाई तुम जमादार हो क्या। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, नेचर को सिक्योर कर रहे हो आप, सी लाइफ को बचा रहे हो, वो आपको दुआएं भी देंगे जो भी वहाँ पे एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं। दूसरी बात, ये आपके लिए भी काफ़ी काम आएगा ताकि आप लोग जो है थोड़ा ना आप लोग इस बारे में सोचें। और जो है दूसरी बात, आपका जो खाना है यानी आप लोग मछलियाँ खाते हैं, प्रॉन्स खाते हैं, लॉबस्टर वगैरह जो भी खाते हैं, उसकी वजह से आप लोगों को कोई डिजीज़ नहीं होगी। तो प्लीज़ ये मेरी बात कभी नहीं भूलना। हमें ज़रूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो इस बीच को साफ कर सकें, और हमें एक एनजीओ चाहिए जो कि इस बीच में आए और पूरा क्लीन करे इसको। हमें एक क्लीन करने वाला एक ट्रैक्टर चाहिए होता है जिसके ना पूरे एक बड़ा सा क्लॉ होता है, वो चाहिए ताकि हम वो सारा कचरा इकट्ठा कर लें और फिर हम लोग वो फेंकवा सकें। तो प्लीज़ बी सपोर्ट मी। ये नहीं आते गाइस, ये हमें सीगल दिखा गाइस, ये रहा इतना बड़ा, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा गाइस इतना बड़ा सीगल। यार गाइस मैंने अभी ना कुछ मछलियाँ देखी हैं मरी हुई, और देखें ये ऐसे मरी हुई किनारे पे, देखें ये बिल्कुल किनारे में मरी हुई है, और ये बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड गार्बेज। ये देखिए कितना बुरा हाल हुआ यार इनका। ऐसे ही एक और भी है, ऐसे ही एक और भी मछली है गाइस, ये देखें इतनी बुरी हालत है यार, देखें पूरी फटी हुई यार। ये देखें ऐसी एक और भी है, देखें गाइस ऐसे हमारी सी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, हमें इनको रेस्क्यू करना होगा। और भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी एक केकड़ा था मरा पड़ा हुआ था और उस पर जो है
मक्खियाँ आ रही थी। यार गाइस ये मैंने एक टर्टल देखा, सी टर्टल गाइस, यार इट्स वेरी क्यूट। यार यहाँ मुझे एक सी टर्टल मिला गाइस, और वो भी इसका बच्चा। कितना तेज भाग रहा है ये पानी की तलाश में गाइस।